नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका सरपुत्र में। और आज का जो रेस्क्यू कॉल है स्वराहा ग्राम सभा है, जो जिला गोरखपुर के अंतर्गत पड़ता है। आज का जो दिन है दिवाली है, भैया लोग हैं, इनके घर में सांप कहीं नहीं है। चलिए भैया लोग से पूछते हैं, सांप कहाँ देखे और कब देखे? सांप कहाँ देखे और कब देखे? कब देखे हैं? तो दर्शन कर पाए कौन सा सांप है? हाँ देखूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा सांप है, उसके रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करके बाहर लाते हैं और छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। भैया आप लोगों ने सांप कहाँ देखा? अंदर चलिए, देखिए कोने पे कह सकते हैं दोस्तों, ये घर परिवार का ये रूम है और यहाँ पेटी बक्सा और डेहरी अनाज उनाज सब चीज इसी रूम में रखा गया है। और इसी रूम में कहीं सांप देखने को मिला है, तो कौन सा सांप है देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सांप है स्पेक्टिकल कोबरा है और बहुत बड़ा सांप है ये और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए पहले इसको रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करने के बाद बाहर लेके चलते हैं। अगर जाने अनजाने में किसी का पैर या हाथ पड़ जाता, इस परिवार के साथ दुर्घटना हो सकती थी। तो सही समय पे नज़र पहुंच गई है और हमें भैया लोगों ने कॉल किया तो हम पहुंच आए हैं। तो दोस्तों आज है दिवाली का दिन और कोई महिला आई थी यहाँ दीप रखने दिया और उसका नज़र पड़ गया है इस सांप के ऊपर। तो घर वालों से जाके बोली कि घर में सांप है, बहुत घबराते हुए गई और बोली घर में सांप है। और घर वालों ने हमें कॉल किया और हम सही समय पे आ गए हैं इसका रेस्क्यू करने। तो चलिए दोस्तों इसको बाहर लेके चलते हैं, छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना शरीर किस तरह से ये सिकुड़ करके बैठा हुआ है, जो अपना हेड है वो दीवार के अंदर छुपा के बैठा हुआ है किस तरह से। चलिए अब इसका रेस्क्यू करते हैं। और काफी मोटा तगड़ा है दोस्तों, कहीं जगह है ये घुसने लायक तो अंदर घुस जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए पहले इसको रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कितना लंबा मोटा तगड़ा है ये दोस्तों, काफी पुराना सांप है ये। और कलाकार
तो दोस्तों ये जो सांप है स्पेक्टिकल कोबरा है और इसके काटने पे 40 से 45 मिनट समय मिलता है। और जब भी ये सांप काटता है तो आप अपने जिला अस्पताल जाएं, ना कि झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और वही एक इंजेक्शन है जो आपकी जान बचा सकती है, एंटीवेनम। ये बार बार जीभ निकाल रहा है यहाँ के मौसम को सुनने के लिए। दिवाली है आज, काफी लंबा और मोटा तगड़ा है और काफी ज्यादा पुराना है सांप ये। दोस्तों उसका हेड देख सकते हैं, एकदम रियल वाइट कर रहा है दोस्तों। और ज्यादा इसको परेशान नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव है। महिला गई थी दिया रखने, अगर उनका हाथ या पैर पड़ जाता तो आज पे हादसा हो सकता था। एकदम ये रियल बाइट कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। चलिए दोस्तों अब इसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद खुले वातावरण में जाके रिलीज कर दिया जाएगा। तो साल दिखाइया हो हमारी आ रहा हूँ तू ही बारा नहीं हाँ और देख सकते हैं दोस्तों रात के बज रहे हैं 7 और काफी ज्यादा ग्राम सभा के लोग आए हुए हैं, माताएं बहनें भाई बहन सब लोग। देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ पटाखे की गूंज सुन रही है, सुनाई दे रहा है, पर यहाँ इस घर में कोई गूंज या कोई पटाखे की आवाज नहीं है। यहाँ की मतलब घर वह परेशान है कि ये महाशय को लेके तो अभी तक दिया तक नहीं जलाया जा रहा, घर के लोग इतना परेशान है। तो अब इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और इसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद खुले वातावरण में जाके रिलीज कर दिया जाएगा। पकड़ नहीं था सही है कौन था झूम जाए और जब भी ये सांप दिखता है ना कि डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करें, मारे ना बचाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं। थैंक यू सो मच। और हमारा काम कैसा लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।